हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदरवेद में। आज आपको बताऊंगा कैलकुलेशन। जैसे कि आपको बताए थे कैलकुलेशन का डे नंबर वन या कैलकुलेशन वन बताए थे, ठीक है। आज आपको हम बताएंगे कैलकुलेशन टू या डे नंबर टू, जो आप समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं पहला वीडियो में कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग सिखा चुके थे। जैसे 13 का स्क्वायर कैसे निकाला है, ये तो हम याद करने बोले थे। 1 से लेकर 31 तक का 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, फिर भी आप 13 का भी इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। क्या करते थे, पहले हम लोग जो 3 है उसका स्क्वायर करेंगे 9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 3 3 2 6, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो ये हो गया। निकालने भी सिखाए थे और तो याद रखने भी बोले थे, ठीक है। आज हम लोग पहले हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट पढ़े थे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये वाला हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसमें आपको हम 30 तक याद करने बोले थे, ठीक है। 30 का स्क्वायर हो गया 900, ठीक है। यहाँ तक आपको याद करने बोले थे। अगर हम लोग इधर से इस तरह आएंगे तो इसको स्क्वायर बोलेंगे, मैंने इसका ये वाला रहा इसका वन, मैंने इसको हम लोग क्या किए स्क्वायर किए, ठीक है। स्क्वायर किए, स्क्वायर मैंने वर्ग किए, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड से अगर इस साइड जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 900 है, अब वर्ग करेंगे इसका, सॉरी अब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट SQUAR स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ रहेगा स्क्वायर रूट में, ठीक है, या फिर इसी में बोल देगा कि 900 का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये वाला आपको याद था, इसलिए हम लोग 900 का स्क्वायर रूट कितना कर लिए 30 कर लिए, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग फास्ट कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग ये कैलकुलेशन का डे टू में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का डे नंबर टू में सीखेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर करने सीखे थे कैलकुलेशन का डे वन में। आज को हम लोग कैलकुलेशन का जो डे नंबर टू है इसमें हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। इधर स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, इस तरह रहेगा, ठीक है, रूट के अंदर, या फिर इसको वो ऐसे भी रह सकता है कि 900 है, इसके ऊपर में 1/2 भी हो सकता है। ये दोनों का मतलब ही क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने सीखेंगे इस वीडियो में। पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं अभी यहाँ पे। जैसे 1 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है, इसका पहला डिजिट हम लोग देखेंगे 1 का, जैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 होगा, फिर 2 का जैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 3 का 9 होगा, ठीक है, फिर 4 का जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग 16 होता है, स्क्वायर 16 होता है, लेकिन इसका डिजिट हमको क्या देखना है 6 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहता है, लेकिन 6 का हम लोग जैसे देखेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा। 7 का हम लोग का स्क्वायर में कितना होता है 49 होता है, लेकिन इसका कितना लेना है पहला डिजिट 9 हो जाएगा। 8 का पहला डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 10 का 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी संख्या 0 रहा तो उसका 0 हो जाता है। तो ये वाला तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कम से कम ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो ई है 1 है, 1 दो को संख्या से आ रहा है, 1 एक को 7 से भी आ रहा है, सॉरी एक को 1 से भी आ रहा है 1, और एक को 9 से भी आ रहा है। फिर आपका जो 4 है ये भी 2 से आ रहा है, एक को 2 का स्क्वायर से भी आ जाएगा, और आपका 8 का स्क्वायर से भी 4 आ जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर से भी आपका 4 आ जाएगा, 2 4 हो गया। फिर 9 भी 2 को से आ रहा है, आपका 3 रहा उससे भी, और एक को 7 रहा, ठीक है। फिर आपका कितना 7 हो गया 1 4 6, अब देखना है 6 का तो 6 ही होता है, 5 का 5 भी होता है। इसके अलावा और आपका कुछ नहीं बचा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब इसको याद रख लीजिएगा तब आपका इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, लेको हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन एक को हम लोग लिख लेते हैं, 6 5 9, चलिए ये वाला क्वेश्चन लिख लिया हम लोग यहाँ पर,
कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर, इटो आपको याद रखना था तो ये आपको समझाने के लिए लिखे, तो इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, छोटा वाले को लिख लेते हैं पहले 4096। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो पहले लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट कितना है इसका, 6 है। तो 6 किसमें आता है, 6 आपको ये ध्यान में रखना है। तो 6 किसमें आता है, सिर्फ 64 में भी आता है, ठीक है। 4 का भी 6 होता है और 6 का भी 6 होता है, तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, इसका दो को हो सकता है, जब स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जैसे पहला डिजिट देख लिया, उसका किसमें आता है, एक को 4 में आता है और एक को 6 में आता है। तो 4 और 6 लिखेंगे, फिर दो डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, फिर ई वाला बीच वाला संख्या देखेंगे, मतलब जो बचा हुआ संख्या उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे 40 बचा हुआ है, 40 किसके बीच में आता है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 40 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 6 का स्क्वायर का कितना हो गया, 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों के बीच में ही ना आता है, मतलब 6 और 7 के बीच में आता है, ठीक है। तो 6 और 7 के बीच में जब आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 और 7, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 और 7 लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बीच में आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 7 42, अब ये जो 42 आया, 42 को इससे कंपेयर करेंगे, 46 अगर ये छोटा रहा, यहाँ पे जो दिया हुआ रहा वो अगर छोटा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला संख्या लेंगे, और बड़ा रहा तो हम इसमें बड़ा वाला संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 66, तो इसमें छोटा है तो छोटा वाला संख्या आपका 64 हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। मान लीजिए एक बार में आपको समझ में आया तो, और एक बार हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, चलिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए एक बार दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, कैमरा सब ठीक आ रहा है ना, ठीक है, कैमरा सब ठीक है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कैमरा में, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसे 7744 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, 7744, इसमें लास्ट का डिजिट देखेंगे कितना है, 4 है। तो 4 किसमें आता है वो हमको लिखना है, 4 एक को 2 में आता है और एक को 4 में आता है। तो ये आपका दो को पता चल गया पहला डिजिट, ठीक है। जब पहला डिजिट आपको पता चल जाएगा तो हम लोग ये दो को घर क्या करते हैं, काट देते हैं। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, तो फिर 77 देखेंगे किसके बीच में आता है। तो 77 किसके बीच में आता है, 8 का इसको 64 हो गया, 9 का इसको 72, तो 9 और 10 के बीच में आता है, 9 का स्क्वायर 8 और 9 के बीच में ही ना आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, उसके बीच में 72 आ रहा है। तो हमेशा इसमें क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 82 और 84, अब कौन तो होगा ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें दोनों हो सकता है कि नहीं, दोनों तो नहीं ना होगा, कोई एक को होगा, कौन सा होगा इसको कैसे पता करेंगे, ये जो जिसके जिसके बीच में था, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 8 9 72। अब देखना है ये जो 72 आ गया, इससे अगर इस 77 बड़ा है ना, 72 से 77 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे। अगर छोटा रहता तो हम लोग छोटा वाला लेते, ठीक है। और एक क्वेश्चन से आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन एक को लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 किसके किस में आता है, 2 और 4 में तो 6 आ जाते हैं, यहाँ पे 8 होगा ना, 8 में 4 होते हैं, यहाँ पे 8 होगा, जब यहाँ पे 8 होगा तो 2 और यहाँ पे 8 होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक तीसरा क्वेश्चन लिख के आपको यहाँ पे बताते हैं, 1 2 5 4। इसमें देखिए लास्ट डिजिट कितना है, 4 है। 4 किसमें आता है, एक को 2 में और एक को 8 में आता है। यहाँ पे जैसे पिछले वाले में गलती हो गई, तो इसलिए इसी तरह का क्वेश्चन नहीं है। तो एक को 2 भी आएगा पहला यूनिट डिजिट, या फिर 8 भी आ सकता है। तो दो को का काम हो गया, तो दो को क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। तो बचा कितना, 125 किसके बीच में आता है, 1 to 111 के बीच में आता है और 12 के बीच में आता है, दोनों के बीच में ना आता है। तो ये दोनों के बीच में जब आता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा छोटा वाला लेंगे,
छोटा वाला 112 भी हो सकता है या 118 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कौन तो लेंगे दोनों में, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखना है कि 132 से 125, अब यहाँ पे 25 बचाना, 125 छोटा है तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो 135 से क्या है ये वाला, 132 से क्या है छोटा है, तो छोटा कौन है आपका 112, तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक दो क्वेश्चन लेकर आपको हम समझाते हैं, अगर मान लीजिए फिर भी समझ नहीं आया तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। इसे पहला डिजिट देखना है 9 है, 9 किस में किसमें आता है, एक को 3 भी हो सकता है और एक को 7 भी हो सकता है। ये आपका 2 को का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 2 को काट देंगे इधर से, ठीक है। अब बचा 39 किसके किसके, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 42, ये दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। हमेशा जब छोटा वाला लेंगे तो दोनों में आ जाएगा, इधर भी छोटा 6 इधर भी 6। अब सवाल आता है कि इसका आंसर 63 होगा कि 67 होगा, उसके लिए जो जिसके बीच में आता था 39, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 को देखना है, 42 से अगर बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, अगर ये छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे। तो 42 से 39 क्या है, छोटा है, जब छोटा है तो हमने छोटा वाला लेंगे, तो 63 और 67 में छोटा कौन वाला है, छोटा ये वाला है, तो ये वाला आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, 63 हो गया। चलिए अब हम लोग एक छोटा वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। छोटा वाला जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट मान लीजिए 169, जैसे इसका पता ही है 169 की तरीका से हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। चलिए जैसे ही आपको याद ही होगा 169 का कितना होता है, 13 होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन ये तरीका से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं कि सही है कि नहीं निकल रहा है। चलिए इसको यहाँ पे उतना बहुत सारा बता दिया आपको, लग रहा होगा कि हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे अपने से, इसलिए इसको एक छोटा सा लेकर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे 9 है, 9 किसके किसके बीच में आता है, मतलब 9 का ये किसमें आता है, एक को 3 में आता है और या एक को 7 में आता है, ठीक है। फिर इसमें देखना 16 किसके किसके बीच में आता है, 16 एक गो 16 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, एक गो आपका 16 नहीं लेना है, जब स्क्वायर रूट निकालते तो 2 डिजिट हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर में आता है तो सबसे छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आ गया ना। अब कौन आंसर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 हो गया, 2 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे छोटा वाला लेंगे, तो 17 छोटा है ना 13 छोटा है, तो 13 छोटा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। इस तरह आप बहुत सारा बना सकते हैं अपने से प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका मन में सवाल आएगा कि अगर मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तब, ये सब तो क्या था परफेक्ट स्क्वायर था, अगर मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं रहा तब आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 103 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालिएगा इसको हम लोग चलिए देखते हैं। इसमें क्या करना है, पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है उस तरह लिखेंगे, ये 100 परफेक्ट स्क्वायर है प्लस इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 100 का तुमको पता है, 100 का कितना होता है 10 होता है, ठीक है। लेकिन 3 का पता है नहीं पता, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे जितना रहेगा इसका 2 गुना करके लिखेंगे, तो 10 का 2 गुना 20, तो 10 का तो 10 हुआ, और इसको हम लोग क्या करेंगे 3/10 3 को हम लोग 20 से भाग दे देंगे, इस तरह भाग दे देंगे, ठीक है। निकलता है 0, फिर 2 1 2, फिर यहाँ पे 10 पॉइंट निकलते 0, फिर 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.15। इसका जब परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10.15, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 10.15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका इस तरह देखते हैं और इसका एक दो को बना लेते हैं, जैसे ये आपका एक दो बनाए और इसका एक दो को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका और एक दो को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक
कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 65 रहा, तो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है, इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे जो लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे 8 का ई करेंगे, इसका दोगुना करेंगे, जब 8 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। जब 16 हो जाएगा तो 8 का 8 इसको भाग देंगे तो 0. कितना हो जाएगा 0.0 1696, तो 0.06 फिर चलते जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.06 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। 65 का कितना होता है 8.06। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हैं, पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर से भी थोड़ा ज़्यादा रहता है या कम रहता है उसका भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादा रहा तो आप इस तरह करके निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए कम रहा तब आप कैसे निकालिएगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 48 कितना, इससे आसपास का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें फिर 12 जोड़ेंगे, तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा इसका डबल कीजिएगा फिर भाग देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आएगा सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसमें 49 में हम लोग एक अगर घटा देंगे तो 48 बन जाएगा, ठीक है। तो 49 का कितना होता है 7√, फिर -1/, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे किसका, यहाँ पे जितना रहेगा उसका दोगुना का, तो इसका 7 है, 7 का दोगुना 14 हो गया, 14 तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको जब भाग देंगे तो कितना हो गया 0.02। अब इसको इससे घटाएंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, भाग दे के देख ही लेते हैं, 0.007 आएगा ना, जब 7 आएगा तो फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6.93 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला बन गया। अगर यहाँ पे प्लस रहता है उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, माइनस रहता है तो उस तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आपको अगर स्क्वायर यहाँ पे आपको हम क्या बताए, अगर स्क्वायर आता है तो उसका भी हम बता दिए, ठीक है। अगर स्क्वायर रहता है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, पहले स्क्वायर निकालने सीखे, ठीक है, स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सब हम लोग सीख गए, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, क्यूब के बारे में सीखेंगे। चलिए फिर क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे, तो पहले हम लोग क्यूब सीख लेते हैं। अब हम लोग क्यूब के बारे में सीखेंगे, जैसे स्क्वायर के बारे में सीखे थे, जैसे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने क्या आता है 2 बार गुणा करना था, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया था। उसी तरह अब हम लोग क्यूब सीखेंगे, तो क्यूब मैंने क्या होता है 3 बार करना है, जैसे 3 का क्यूब रहा, मैंने 3 को क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 27 इस तरह 2 रहा इसका क्यूब, तो 2 का हम लोग क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गए, इस तरह से आपका बनेगा। तो कम से कम क्यूब आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब और 729 और 10 का क्यूब 1000, इस तरह करके आपको कहाँ तक याद होना चाहिए 20 का क्यूब तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इतना लिखने का टाइम। लेकिन जब आप 21 का क्यूब निकालिएगा तो इसका प्रोसेस अलग होगा,
फिर 31 का क्यूब निकालिएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा। फिर इधर बनाइएगा तो उसका प्रोसेस अलग होगा, इसका प्रोसेस सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जब अलग अलग सब में फॉर्मूला काम करेगा तो इससे अच्छा कि इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, इसको आगे हम जब जरूरत पड़ेगा जहाँ पर हमको जहाँ पर हमको क्यूब निकालना होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे वहीं पे, जब जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी क्यूब निकालना हम लोग नहीं सीख रहे, सिर्फ हम लोग अभी क्यूब रूट निकालने सीख रहे हैं जो एक ही तरीका से बनता है, ठीक है, इसमें उतना झंझट का कोई बात नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग क्यूब रूट निकालने सीखते हैं। चलिए क्यूब रूट निकालने हम लोग अभी यहाँ पे सीखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर वन रहा तो वन ए होगा, अगर टू रहा तो उसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 3 रहा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 4 रहा तो कितना हो जाएगा, 4। 5 रहा तो 5, 6 रहा तो 6, 7 रहा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 रहा तो 2 हो जाएगा, 9 रहा तो 9 और 0 रहा तो 0 ही होगा, और उठ तो बोलने की बात नहीं है। लेकिन देखिए इसमें क्या याद रखना है, 8 रहा तो 2 हो जाएगा, 2 रहा तो 8 हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा। 3 रहा तो 7 हो जाएगा, 7 रहा तो 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर 1 रहा तो 1, 4 रहा तो 4, 5 रहा तो 5, 6 रहा तो 6, 9 रहा तो 9 होगा। इस तरह से इसमें मिलता ही है, ठीक है। इसका एक को हम लोग लिख के बताइए आपको यहाँ पे, ठीक है। इसे क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए क्यूब निकालना है तो क्यूब इस तरह अंदर में रहेगा क्यूब, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6, 8, 5, 9। तो यहाँ पे देखना है 9 का क्या होता है, 9 ही होता है, पहला डिजिट आपको पता चल गया 9 होता है, ठीक है। अब 3 को काट देंगे, 3 को क्यों काटेंगे, क्योंकि हमको क्यूब निकालना है, तो 3 को का पता चल गया कि 9 ही होगा, ठीक है। अब आपको देखना है 6 का, ठीक है। तो 6 का आपका क्या होगा, किसके किसके बीच में आता है क्यूब के, तो 6 एक का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि एक का क्यूब आपका 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या करना है, छोटा वाला ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, एक एक आपका आता है, इसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं है उसमें। तो फिर भी 2 को बनता था, मान लीजिए अगर आपका 4 रहा था, 4 2 से भी आ सकता था, 8 से भी, लेकिन इसमें कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। सबका अलग अलग होता है स्क्वायर वाला में, UAR स्क्वायर रूट में, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट में ऐसा कोई झंझट नहीं है, इसमें सबका अलग अलग होता है, 9 रहा तो 9 और हमेशा छोटा वाला लेना है, बस ये आपका क्यूब तुरंत ही निकल जाएगा। लेकिन जब क्यूब करेंगे उसमें थोड़ा अलग, सब जगह में अलग अलग आता है, तो उसको हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्यूब रूट का। फिर क्यूब रूट कैसे पहचानिएगा कि इस तरह यहाँ पे जैसे ई रहा तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर यहाँ पर अगर 3 लिख दिया तो ये क्यूब बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 1, 3, 8, 2, 4 ये आपको मान लीजिए को हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो 4 किस में आता है, 4 का 4 ही होता है, तो 4 लिख लेंगे तो 3 को कट जाएगा, 3 को कट जाएगा तो कितना बचा, यहाँ पे 13 बचा। 13 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 13 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 का क्यूब 27 हो गया, 2 और 3 के क्यूब के बीच में ही आता है 13, ठीक है। 2 का क्यूब 8 हो गया, तो हमेशा क्या करना है, छोटा वाला लेना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें तो गुणा करके चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे स्क्वायर वाला में हम करके दिखाए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। और एक को देख के आपको बता देते हैं, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9, 1, 1, 2, 5 रहा, तो 5 रहता है तो हम लोग 5 ही लिखेंगे। यहाँ पे कैमरा पकड़ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, कैमरा में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैमरा में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन 3 को काट देंगे क्यूब के चलते, जब काट देंगे तो कितना, 91 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का 64 और 5 का 125, ये दोनों के बीच में आता है, लेकिन छोटा वाला कौन तो है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसलिए कम से कम यहाँ तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला निकालने के लिए भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब
और एक को बता के बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 681 क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। 47 देखिए, 2 किस में आता है, 2 का क्या आता है, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर 3 को काट देंगे। 3 को क्यों काटेंगे, क्योंकि क्यूब निकाले, यहाँ पे क्यूब लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे 681 इसके किसके बीच में आता है, देखिए यहाँ पे 8 और 9 के बीच में आता है। ठीक है, यहाँ पे 8 और 9 के बीच में आता है, तो छोटा वाला कौन रहा है, छोटा आपका 8 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आप साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गए। हम लोग क्या क्या सीखे अभी, पहले स्क्वायर निकालना सीखे, फिर स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर हम लोग क्यूब सिर्फ अभी पढ़े हैं कि याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, क्यूब रूट भी सीख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को सीखे। अब हम लोग सीखेंगे जोड़ने के बारे में। ठीक है, जोड़ने का तरीका अभी हम लोग इसमें सीखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे आपको बताए थे पहले जोड़ आना चाहिए, घटा होना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। तो ये 4 को आपको यहाँ पे हम अभी बता दिए शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब हम लोग इसमें आते हैं, जोड़ घटा गुना भाग में आते हैं। देखिए जोड़ में आपको क्या करना है, जैसे आप करते थे उसी तरह आपका जोड़ बनेगा, इसमें तो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट बन सकता है अगर आप इस तरह बहुत बड़ा जोड़ कर लीजिएगा, इस तरह तो आपका शॉर्टकट बन सकता है। लेकिन आपको जोड़ना कैसे है, 2 और 1 3 ये वाला बोल बोल के नहीं करना है, 2 और 1 3 इस तरह करके नहीं बोलना है। ठीक है, इसको कैसे करना है, 2 3 3 12 12 19 21 21 30 कैरी रहो, 3 9 11 11 फिर 3 14 20 29 इस तरह करके करना है। ठीक है, जब इस तरह करके 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। जैसे इस तरह अगर कीजिएगा कि 2 और 1 3 3 8 9 12 12 12 12 फिर इस तरह गिनिएगा, ये जैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो उस तरह करके अगर आप कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर इस तरह करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मान लीजिए बहुत बड़ा, इस तरह करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत बड़ा वाला इस तरह, इतना बड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह करके 9 16 23 23 फिर 25 28 29 फिर आपका कितना हो जाएगा, 29 के बाद 29 36 36 36 38 3 रहा। ठीक है, इस तरह करके अगर जोड़िएगा, ठीक है, तो इसमें जल्दी बनेगा। जैसे 9 10 16 16 22 28 28 28 फिर आपका 29 हो गया, फिर 31 33 35 35 41 इस तरह करके आप जोड़िएगा तो जल्दी होगा। लेकिन अगर आप इस तरह करके जोड़िएगा तो आपको टाइम लगेगा। तो ये आपके जोड़ने का भी तरीका हो ही गया। ठीक है, ये वाला एक इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, या फिर कोई दूसरा तरीका भी आपके को बता देते हैं। ठीक है, अगर इस तरह बड़ा जोड़ रहा है तो आप इस तरीके से जोड़ क्या अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्या होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा आपका। ठीक, और आप इस तरीका से भी जोड़ के कर सकते हैं, जैसे ये वाला तरीका है, जैसे यूनिट डिजिट या डिजिट सम जिसको बोलते हैं ना, जैसे 32 का मल्टीप्लाई 12 से कीजिएगा तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 4 6 8 और यहाँ पे 3, इतना ही ना होता है, 3 8 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये वाला गुना हम कैसे किए ये भी आपको अभी हम सिखाएंगे। जैसे जोड़ आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आपको हम गुना करने भी सिखाएंगे। देखिए, तो इसका यूनिट डिजिट के क्या होता है, इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 2 8 3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा, 8। अब इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना है, तब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको ये करते हैं, जोड़ते हैं,
जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 15, 15, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो जब दोनों मिल गया मैंने आपका क्या है इटवा सही है। इस तरह आप डिजिट सम भी कर सकते हैं या फिर डिजिटल सम भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपना तरीका से हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो ई वाला आपका तरीका से भी जोड़ सकते हैं। अब हम लोग गुना करने सिखाते हैं आपको, जैसे कि आपको हम अभी गुना करके दिखाए, जैसे 3, 2, 1, 2, इसको अभी हम कितना फास्ट गुना के ही आपको हम अभी सिखाएंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले जो 2 रहा इसको हम लोग इससे एक बार गुना करेंगे, ठीक है, फिर ई 2 को एक बार इससे करेंगे, फिर ई दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये आपका तरीका होता है, ठीक है, फिर इसको इससे, फिर एक बार इसको ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसको एक बार इससे जोड़ देंगे। देखिए इसे यहाँ पे हम बता रहे हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, हाथ में कुछ ले रहा, फिर 2 को 6 से करेंगे तो 6 हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो कितना होगा 2 1 जा 2 तो कितना हो गया 14 हो गया। 14 का हम लोग क्या रखेंगे 4 हाथ में रहा, और 3 2 जा 6 देखिए इसको 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे 2 होगा ना, 2 1 जा 2 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर इसको इससे 1 को इससे 3 1 जा 3 हो गया। देखिए एक बार मैं आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे और एक बार हम आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देकर आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका 62 और 51 का अगर आपको मल्टीप्लाई करना रहा तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का इससे करेंगे, ठीक है, तो 1 के इससे 2 1 जा 2 होगी, फिर इसको इससे करेंगे 1 का 6 से तो 6 से होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 5 2 10 6 16 16 का 6 हाथ में रहा 1, 5 6 30 30 8 31 इसको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ गया 31 62। तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपका, कैसे किए और एक बार आपको हम समझा रहे हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2, फिर 1 को 6 से करेंगे तो 6 1 कम 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 5 2 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया 16, तो 16 का 6 लेके हाथ में रहा 1, फिर 5 को 6 से करेंगे 5 6 30 और 1 31 हो जाएगा, ये आपका हो गया। और इसका एक दो को तरीका से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 1 और यहाँ पे 1 2 रहा, तब आप कैसे कीजिए देखिए, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा भी संख्या ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 लेके बना देते हैं, पहले इसको इससे गुना करेंगे 2 1 का 2 हो गया, फिर इसको इससे गुना करेंगे 2 2 4 और 1 1 कम 1 4 5 हो गया, फिर 2 1 का 2 इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 252 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक बार हम दिखा देते हैं 27 को, मान लीजिए आपको 12 से ही मल्टीप्लाई करना है या 42 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या बड़ा वाला आ जाएगा तो कोई दिक्कत होगा ऐसे बात नहीं है। जैसे जैसे प्रोसेस आपको देखना है, ई वाला लेंगे 2 को 7 से करेंगे तो कितना हो गया 14 कैरी कितना रहा 1 रहा, फिर 2 को इससे करेंगे 2 2 जा 4 4 रहा और यहाँ पे 28 4 और 28 कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है 32 और 1 33 हाथ में रहा 3, फिर इसको इससे करेंगे 4 2 जा 8 8 और 3 11 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको मन में दिक्कत संदेह होगा कि सही बनाए कि गलत बनाए तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको बताया ना डिजिटल सम उसको आप कर सकते हैं, डिजिट सम जैसे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 6 9 54 5 4 9 आ गया, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे 7 8 2 9 मैंने क्या हो गया दोनों सही है। डिजिटल सम से भी तुरंत ही जो हम मन में ही कर सकते हैं, जो डिजिटल सम से या डिजिट सम से क्या होगा आपको तुरंत पता चल जाता है, ठीक है, कि सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है। फिर ई वाला करने के बाद, ई तरीका करने के बाद फिर ई बुद्धि ने लगा लीजिएगा कि इसको एक बार इस तरह करके चेक करके देख लेते तब तो फिर वही वाला कर लेते, ई करने का क्या जरूरत था, ठीक है। तो ये तो एक बार आपको क्या होता है शॉर्टकट बनता है, फिर भी आपको मन में लगाता है कि ना जो सही बनाए कि गलत बनाए, थोड़ा दिक्कत होता है या मन में थोड़ा टेंशन रहता है परीक्षा में, तो आप इसका डिजिटल सम कर सकते हैं, डिजिट सम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 9 मिल गया, इधर भी 9 आ गया, मैंने सही है, इसे 1 1 2 2 और 3 5 5 और 2 9 और इधर भी आपका 9 है, मैंने दोनों क्या है सही है।
समझ में आया। इसका और एक दो क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। चलिए इसका और एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताते हैं। अब थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, इस दो डिजिट वाला तो हो सकता है आपको समझ में आ गया, जिसे कल बताया था ना, दो डिजिट वाला आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि आपको तीन डिजिट वाला आपको अभी नहीं पता है। तो अभी हम क्या करते हैं, तीन डिजिट वाला बताते हैं, तो दो डिजिट वाला आपको क्या होगा आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे रहा क्वेश्चन, हम देख लेते हैं थोड़ा, 623 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपका 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर से लिखते हुए आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 2 2 4, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 22 का 2 कैरी रहा 2, फिर इसको आप काट देंगे, अब ये 2 का इससे करेंगे तो कितना होगा 12, और ये 6 को फिर इससे करेंगे कितना हो जाएगा 12, इधर भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और 2 26 हो जाएगा आपका। 26 में आपको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 2 की 2 क्या रहा आपका कैरी रहा। जब तीनों काट लेंगे तब इसको भी क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, अब इस 6 का इस 6 से करेंगे, 36 और 2 38, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला तरीका आपको आसान है, बहुत आसान है, जब सीख जाइएगा ना तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको एक बार समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।